हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम करेंगे प्रश्नोत्तर वसंत कक्षा 8 पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। प्रश्न अभ्यास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कक्षा 8 से संबंधित अन्य पाठों के प्रश्नोत्तर हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। आप उन्हें हमारे यूट्यूब की वीडियोज़ में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसके प्रश्नाभ्यास। देखते हैं इसका पहला प्रश्न आपके विचार से। पहला प्रश्न है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? उत्तर, लेखक ने जीवन में दूसरे लोगों से कई बार धोखा खाया है, लेकिन फिर भी वह निराश नहीं है। उसके जीवन में ऐसे अवसर भी आए हैं जब लोगों ने एक दूसरे की सहायता की है, निराश मनों को भी हौसला दिया है। टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसों को लेखक को लौटाना, बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस व बच्चों के लिए दूध लाना आदि ऐसी ही घटनाएँ हैं। इसीलिए उसे विश्वास है कि समाज में मानवता, प्रेम, आपसी सहयोग समाप्त नहीं हो सकते। प्रश्न 2, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविजन पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होंगी जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखें। उत्तर, छात्र स्वविवेक से किसी भी अखबारों से इस तरह की खबरों घटनाओं को काटकर अपने आंसर बुक पर पेस्ट करें और उसके बारे में अपनी टिप्पणी लिखें। पर्दाफाश। प्रश्न 1, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? उत्तर, दोषों का पर्दाफाश करना उस समय बुरा रूप लेता है जब उनके दोषों को उभारा जाए और वे उग्र रूप ले लें या समाज में आतंक फैला दें। प्रश्न 2, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। उत्तर, आजकल बहुत से समाचार पत्र व समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। ऐसे समाचार पत्रों को पढ़कर या देखकर लोगों में जागरूकता पैदा होती है। इन कार्यक्रमों से लोगों को साहस और शक्ति मिलती है। ऐसे समाचार पत्रों या टीवी चैनलों के माध्यम से समाज का वातावरण बदल रहा है। लोग अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं। दूसरी ओर घरेलू व कानून संबंधी कार्यक्रम भी समाज की सच्चाई का प्रदर्शन करते हैं। इस क्षेत्र में समाचार पत्र भी अपनी विशेष भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।